तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम जो कोल और रॉक ऑयल से बनता है। पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूशन है एडेप्टेड टू पर्सन विथ लाइट हेयर एंड स्किन इरिटेबल पर्सन, हमेशा जंगेलू चिड़चिड़ापन और खुजली होते रहेगा, इसके कारण वो चिड़चिड़ापन बना हुआ रहेगा। इजिली ऑफेंडेड बाय ट्रिपल्स दैट एवरीथिंग, छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाएगा, हर बात पर वो चिढ़ जाएगा, हर बात पर चिढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाएगा। ड्यूरिंग स्लीप, एक सबसे मजे की बात है, पेट्रोलियम पेशेंट जब भी सोएगा उसको डबल दिखेगा कि मेरे बगल में और कोई सोया हुआ, इमेजिनेशन, ठीक है। उससे ऐसा मालूम पड़ेगा उसके बिस्तर में और कोई बगल में लेटा हुआ है, ये इसका इमेजिनेशन रहेगा। एलिमेंट फ्रॉम राइडिंग इन ए कैरेज रेल रोड कार और इन ए शिप, सारी बीमारियां का जड़ होगा, कारण होगा एलिमेंट फ्रॉम रेल रोड, रेल में सफर कर रहे हैं या शिप में सफर कर रहे हैं या कार में सफर कर रहे हैं, उसके बाद टेरिस्ट्री ड्रग्स पॉपुलर सिंडिकल सैनिकुला एंड पेट्रोलियम। इसकी हर बीमारी तूफान और लाइटनिंग आने के पहले होगा या बाद में होगा, आफ्टर और बिफोर लाइटनिंग। नेट्रम कार फॉस्फोरस एंड सोलिनम इज ऑल्सो विथ यू विथ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पेट्रोलियम में क्या होगा, सिम्टम सडनली आएंगे और चले जाएंगे, सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपीयर रैपिडली, अभी अभी हुआ दर्द हुआ संग संग चला गया। दूसरा मेडिसिन क्या, वेरोना मेफस रिवर्स ऑफ प्लेटिना एंड स्टेनम। फिजिकल जनरल स्वीट एंड मॉइस्चर ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल बोथ सेक्सेस, स्वीट एंड मॉइस्चर, पसीनापन और भींगा हुआ रहना हमेशा, और उसके बाद में खुजली होते रहेगा। सोकर उठने के बाद में वर्टिगो ऑन राइजिंग इन ओसिपिटल, पीछे में इंटॉक्सिकेटेड लाइट सी सिकनेस, और समुद्र के एरिया में जाने के बाद में वो बीमार पड़ जाता है, समुद्री सिकनेस व सी एरिया सी सिकनेस भी बोलते हैं। हेडेक इन ओसिपिटल रीजन विच इज हैवी एज ए हेड प्रेसिंग पल्सेटिंग पेन एज इज एवरीथिंग इन द हेड वेर अलाइव, मान पड़े सिर के अंदर सारे जंतु हैं सब जिंदा है, टिक टिक टिच टिच टच 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 ऐसे करके मारते हुए रहेंगे, और पीछे मालूम पड़ेगा पूरा फाइबर टाइप का लकड़ी टाइप का बना हुआ है, एकदम कड़ा है मालूम पड़ेगा। इसका गैस्ट्रिक सिम्टम कैसे होगा, पेट का दर्द जनरली गैस्ट्रिक इन प्रेगनेंसी एरिया में, प्रेगनेंसी के समय में मालूम पड़ेगा खाली पेट है। इन प्रेगनेंसी विद प्रेसिंग ड्राइंग पेन व्हेनेवर स्टोमक इज एम्प्टी रिलीव्ड बाय कॉन्स्टेंट ईटिंग, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा खाते रहेगा, थोड़ा सा खाना खाने से उसको रिलीफ मिलेगा, हमेशा भूखा रहता है। एनालकार्डियम चेलिडिनम एंड एलियम शिपा भी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल येलो वाटरी गशिंग अप टू कैबेज, मैंने कैबेज मैंने बंधा गोभी खाने के बाद में, पेट्रोलियम का एक सबसे बड़ा चीज है बंधा गोभी, अगर खाता है तो उसका दस्त
येलोइश डस्ट होने जाते हैं, बंधक ओवरी इसको हजम नहीं होता है, ओनली कैबेज ओनली इन पेट्रोलियम है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि इसका जो हार्ट है, हार्ट एरिया में सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस अबाउट द हार्ट, हार्ट में बहुत ज्यादा ठंडी लगना, चेस्ट में बहुत ज्यादा ठंडा लगना, दूसरे मेडिसिन कार्गो एनिमल्स कालीम्यूर एंड नेक्टरम्यूर भी है। थर्ड इन इज एक्सट्रीमिटीज, फैट एंड बर्निंग ऑफ सोल ऑफ फीट एंड पेन्स ऑफ हेड, हाथों में दर्द या सोल में हमेशा जलन मालूम पड़ना, गर्मी और जलन हाथों में, हथेली में और सोल में मालूम पड़ेगा। तो यहां पर कंपेरिजन बेडोटिनम से भी कर सकते हो एंड सल्फर से भी किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम में चिली पेशेंट हमेशा याद रखना। पेट्रोलियम का स्किन पेनफुल, सेंसिटिव टू स्किन ऑफ द होल बॉडी, ऑल क्लॉथिंग इज पेनफुल, स्लाइट इंजरी सेपरेट्स, थोड़ा सा भी अगर चोट लगेगा तो पस फॉर्मेशन हो जाएगा और हमेशा उसका जो कपड़े से बहुत ज्यादा तकलीफ रहेगा, कपड़ा पहनते ही उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है। पेट्रोलियम का एक सबसे बड़ा है स्किन और हैंड पूरा रफ रहेगा, क्रैक रहेगा, टिप ऑफ द फिंगर्स आर क्रैक फिशर एवरी विंटर, टेंडरनेस द फीट व्हिच इज बाथ बाय द स्मेलिंग ऑफ, पसीना का गंध मारते रहेगा और हमेशा जाड़े के दिनों में ये हर बार उंगलियां फट जाते हैं। और एक सबसे बहुत बढ़िया पेट्रोलियम है हर्पीस के लिए, लेकिन हर्पीस इसका कहां होगा, ओनली ऑन जेनिटल ऑर्गन्स में, पेरिनियम एंड थाइस, अगर थाइस में एंड पेरिनियम रीजन में अगर है अगर हर्पीस, देन यू थिंक द पेट्रोलियम। पेनफुल इचिंग चिल्बलेंस एंड द चैप्ड हैंड एग्रावेशन इन कोल्ड वेदर, डिक्यूपिडस मींस प्रेशर ऑफ अल्सर, मतलब प्रेशर अल्सर मींस थोड़ा सा भी प्रेशर पाके फट जाएगा, पहले स्वेलिंग होगा, सूजन होगा, उसका प्रेशर पाके क्रैक कर जाएगा, जनरली ये ठंडा के दिनों में होगा। एग्रावेशन कैरेज राइडिंग ड्यूरिंग एंड थंडरस्टॉर्म इन द विंटर, वन ऑफ आवर बेस्ट एंटीडोट फॉर द लीड पॉइजनिंग, द स्किन सिम्टम्स आर वर्स इन विंटर बेटर इन समर, सप्रेस्ड कॉज डायरिया। व्हाट इज द जनरल फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ पेट्रोलियम, इट टेक्स प्रोमिनेंटली ऑन द स्किन प्रोड्यूसिंग एक्जिमा फिशर पुस्टुल्स एंड अपॉन द ग्लैंडुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विंटर सीजन और ड्यू टू चिलिंग। गिव द इंडिकेशन फॉर पेट्रोलियम एंड डिस्पेसिया, रेवेंसेंस बहुत ज्यादा भूखा, विच में कम्स विद मेनी कंप्लेंट्स, एम्प्टी हंग्री फीलिंग एंड नौशिया, हंग्री के साथ में नौशिया फीलिंग जरूर करेगा, विथ लास्ट ऑल द डे दिन भर रहेगा, इट वर्स फ्रॉम द राइडिंग इन ए कैरेज वर्स इन द मोशन, देयर इज मच पेन इन गैस्ट्रिक रीजन विच कंपेल्स हिम टू ईट, इतना प्रॉब्लम होगा कि उसको बाउंड कर देगा खाने के लिए, एंड रिटिंग रिलीफ देयर इज एवर्सन टू फैट food and to meat, indigestion from eating from sauerkraut, ये जर्मन लैंग्वेज है sauerkraut, ये गोभी को बोला जाता है। When should petroleum be used in a seasickness, जब nausea होगा which is worse from the motion or riding and accompanied by the vertigo comes in especially when the patient raises his eyes, आंख अगर ऊपर करेगा तो उसे सिर चक्कर आएगा और देर इज ए पाइलियस ब्लीडिंग जैसा वॉमिटिंग होगा। व्हाट आर द स्किन सिम्टम ऑफ द पेट्रोलियम, वेसिकुलर इरप्शन टर्निंग इनटू पुस्टुल्स, छोटे छोटे इरप्शन पुस्टुल में टर्न हो जाएगा
which covered with scabs. The skin is harsh and dry, and there is a deep crack and fissure with suppuration. Perspiration type का हो जाएगा. The fingertips are cracked and painful, and the hands chapped. Eczema in the behind the ears. कान के पीछे का जो eczema हो जाता है with fatty discharge. Discharge उसका गंध रहेगा. Graphitis से हमेशा तुलना कर सकते हो. तीन चीजें याद रखो. आप लोग एकदम चिल्ला के बोलो. चिली डिस्पोजिशन. टैक्स को थोड़ा जोर से बोलो, याद रहेगा ना, नहीं तो फिर दोबारा कौन पढ़ता है पेट्रोलियम. चिल्ली डिस्पोजिशन, टैक्स कोल्ड, विजिली एंड आर वर्स इन विंटर. मतलब क्लियर हुआ, विंटर में ठंडा जल्दी लग जाना और विंटर के लिए प्रॉब्लम है. सेकेंड, स्किन ड्राई, रफ, क्रैक्ड, फिशर, स्पेसिफिक टिप्स ऑफ फिंगर, एग्जामेशन, विंटर, डिस्चार्जेस थिन एंड वाटरी. नंबर थर्ड, डायरिया फ्रॉम कैबेज, एग्जामेशन ऑन डे टाइम. पूरा याद रहेगा, कैबेज एग्जामेशन और जो भी क्रैकनेस वगैरह रहेगा वो रहेगा. ओके, we are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.